एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। राजस्थान प्रीमियर लीग का ये थर्ड मैच कवर करेंगे, जो बीबी वर्सेस एसएस के बीच में ये मैच होगा। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डीपली एनालिसिस करेंगे किस प्लेयर को यहाँ से हमें स्मॉलेस्ट टीम्स में पिक करके चलना है, किस प्लेयर को यहाँ से हमें ग्रैंड लीग के टीम्स में ट्राई करना है, विद जो भी हमारे कैप्टन एंड वाइस कप्तान के इंपॉर्टेंट एंड डिफॉल्ट ऑप्शंस रहेंगे उनके बारे में भी डिटेल्स में जानेंगे। और साथ ही कौन से वे प्लेयर्स रहेंगे जो आज के इस मैच में आप सभी को बैटिंग से स्कोर करके देंगे, और कौन से वे प्लेयर्स रहेंगे जो बॉलिंग बैटिंग दोनों से ही आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉफिट निकाल कर दे। और जो लो सिलेक्शन वाइज प्लेयर्स रहेंगे कैप्टन और वाइस कप्तान के जो डिफॉल्ट हम टीम्स में ट्राई करके जा सकते हैं उनके बारे में भी डिटेल्स में जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में जान पाओ, जो कि इस मैच के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इस मुकाबले को विन करना। तो एंड तक देखिएगा। और दोस्तों, सबसे पहले जो लोग भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन वगैरह आप सभी को मिलते रहेंगे। और वैसे भी आप सभी लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अभी दोस्तों हम चलते हैं और प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में डिटेल्स में कवर करते हैं। और गाइज, इसके लिए हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी हमारी ग्रैंडिंग एंड स्मॉलेस्ट की फाइनल टीम्स होंगी, अपडेट्स आपको टेलीग्राम्स पे ही देंगे। और यहाँ पर जुड़ने के लिए आप सभी को सर्च नहीं करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन के लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन करना, और मैच के टाइम सिर्फ लास्ट के मिनटों तक एक्टिव रहना, ताकि जो कुछ भी मैच से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेंगे इन सारी चीज़ों के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, अगर आपने अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, और आपको सिर्फ लास्ट के मिनटों तक एक्टिव रहना। ये चीज़ें दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि हमारे नाम से बहुत सारे स्कैम चल रहे, पैटिंग के नाम पे बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ। तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। बाकी अभी हम चलते हैं और यहाँ से प्ले प्रिडिक्शन के बारे में जान लेते हैं। गाइज, ये जो मैच रहेगा राजस्थान प्रीमियर लीग का थर्ड मैच है, आपको ये मुकाबला 7:30 बजे करीब में स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेंगे। बाकी जो वेन्यू है, जो कि ये बरकतुल्ला खान स्टेडियम पर मैच होगा, जो एवरेज स्कोर देखोगे तो 120 से 150 के आसपास में आपको स्कोर बन तो दिखेंगे। और हम पिच की बात करते हैं तो पिच है जब पेसर से बॉलिंग को ठीक ठाक हेल्प कर रही है, चीज़ें आप रिसेंट के दो मैचों में भी ऑलरेडी देख चुके हो। तो बॉलिंग जो रहेगा वो पेसर्स ज़्यादातर हमारे टीम्स में रहेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम से भी नहीं जुड़े, आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाए, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जुड़ने के बाद मैच के टाइम आपको सिर्फ हमारे चैनल पर एक्टिव रहना। ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे जो एसएस के टीम है इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर के बारे में। और देखोगे तो इनके टीम की ओर से यहाँ पर लेम्बाज ओपनिंग बैटिंग कराते हुए दिखेंगे। देखो, इनका लिस्टे रिकॉर्ड मिला है, जो कि इन्होंने अपने लिस्टे के 21 मुकाबले 186 रन 14 का एवरेज, जिसमें 223 विकेट थे इनका, जिसमें ही आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही करके देंगे। और ये हमारे लिए सेफ ऑप्शन ग्रैंड लीग की टीम्स में कैप्टन भी इनको करके जाएंगे। और अदरवाइज अगर आप स्मॉल लीग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फिर एज अ प्लेयर ही इनको करके जाना। इनके अलावा हमारे पास जो एस खान नजर आएंगे दोस्तों, ये राइट हैंडर बैट्समैन 88 मुकाबले खेल चुके टी ट्वेंटी डोमेस्टिक के अंदर, जहां पे 1124 रन और 22 का एवरेज है। एक्सपीरियंस वाइज ठीक ठाक प्लेयर से, जो आपको 20 या फिर 30 प्लस एवरेज फॉर्म इनसे आपको देखने को मिल सकते हैं। और टेक्निकल प्लेयर से दोस्तों, ये आपको ज़्यादातर ओपनिंग ही आते हैं, तो अभी इनको यहाँ से टीम्स के मेन बैटिंग के तौर पर एज अ प्लेयर पिक करके जाएंगे। इनके अलावा यहाँ पर दोस्तों, जो यहाँ पर गुलाटा का तो कुछ खास स्टार्ट अच्छा है नहीं, T20s के दो मैचों में सिर्फ 16 रन ही था, तो अभी इनको भी यहाँ से इग्नोर करके जाएंगे। बाकी यहाँ पर दोस्तों के पास एज अ बिश्नोई इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, ये आपको राइट हैंडर बैट्समैन राइट में लेग स्पिन बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। देखोगे तो T20s डोमेस्टिक के 90 मैचों में 105 रन 8 के एवरेज, यहाँ पे दोस्तों टोटल 105 विकेट इनके पास था। जो बॉलिंग है वो इंपॉर्टेंट है, जो आपको एज अ प्लेयर अपनी टीम्स में रखना भी चाहिए, और आप मिनी जीएल ग्रैंडिस की टीम्स में कैप्टन भी करना। तो अगर आप स्मॉल लीग इन्वेस्टमेंट हो तो फिर सिर्फ एज अ प्लेयर ही इनको पिक करके जाओ। जो दीपक चौधरी है दोस्तों, राइट हैंडर बैट्समैन राइट मीडियम फास्ट, ये बॉलिंग कर रहे हैं, एज अ बॉलर ही है। इनका रिसेंट फॉर्म 2023 और 22 के अंदर खेलेगा डोमेस्टिक मैच का है, जहाँ पे देखोगे तो 2 विकेट 1 विकेट काफ़ी सारे मैचेस ये विकेटलेस गए थे। ये क्लब लेवल का मैच का रिसेंट फॉर्म है इनका। तो अगर आपको टीम्स में एज अ रिस्क लेना होगा तो मिडल ऑर्डर बैकअप ऑप्शन से, जो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों ही करके दे सकते हैं, आप एज अ प्लेयर इनको टीम्स में रिस्क लेकर चल सकते हो। बाकी जो यहाँ पर आर सिंह नजर आएंगे, ये लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, T20s के 2 मैचों में सिर्फ 38 रन, न तो बैटिंग न तो बॉलिंग कुछ खास अच्छा इनके पास फॉर्म नहीं है। आपके पास लोमर ऑलमोस्ट, देखो ये टीम की कैप्टनसी भी करें, आईपीएल एक्सपीरियंस प्लेयर है। देखो ये लेफ्ट हैंडर बैट्समैन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कराकर देंगे। 85 मैचेस डोमेस्टिक T20, जहाँ पे टोटल 1727 रन 26 के एवरेज और सिर्फ 9 ही विकेट थे, पर ये आपको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग एज अ बैटिंग इंपॉर्टेंट है इनका, आपको एज अ प्लेयर टीम्स में रखना भी चाहिए, और मिनी जेल ग्रैंडिस की टीम्स में एज अ कैप्टन भी करके जाओ। बाकी जो संचित यादव दोस्तों, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन एफसी का रिकॉर्ड मिला, जो ये इनका टेस्ट फॉर्म था दोस्तों, 3 मैचेस में 84 रन 21 का ही एवरेज है। तो अभी कोशिश करोगे इनको जीएल के टीम्स में रखें, ग्रैंडिस के ज़्यादातर ये सेफ रहेंगे। बाकी यहाँ पर दोस्तों,
और यह श्रृंखला कुछ इनका स्टार्ट्स मुझे मिला नहीं, या विकेट कीपिंग कराते हैं तो ऑलमोस्ट अभी इनको श्रृंखला को ग्रैंड लिस्ट के टीम्स में ही रखो। आपके पास मोहम्मद अहमद, देखो ये राइट हैंडर बैट्समैन, 7 मैच में सिर्फ 95 रन 9 का ही एवरेज था। चौधरी ये जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेफ्ट मीडियम फास्ट बॉलिंग कर रहे, फॉर्म देखोगे तो इन्होंने T20 डोमेस्टिक के 72 मैचों में 92 विकेटें निकाल चुके हैं, तो ऑलमोस्ट आपको एक से दो विकेटें भी निकाल कर देंगे और आपको देख के भी ओवर्स कराते हुए दिखेंगे। तो बॉलिंग इनका सेफ है, कैप्टन वगैरह जीएल के टीम्स में भी कर सकते हो, और बाकी इनकी बेंच ऑप्शंस में से जो भी प्लेयर खेलेंगे इनमें से स्टार्ट्स अगर कोई प्लेयर खेलता है तो अपडेट्स में टेलीग्राम्स पे कर देंगे, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। अब जो यहाँ पर बीबी के टीम है देखोगे तो इन्होंने भी अपनी टीम एक भी मुकाबले इनकी टीम ने खेली नहीं है, पर इनकी टीम की ओर से करण लंबा ओपनिंग बैटिंग कराते हुए दिखेंगे। मिस्टेक है गाइस, सॉरी, इनका एफसी रिकॉर्ड था ये, इनका 4 मुकाबले में टोटल 297 रन और टोटल 59 का एवरेज है। कुल मिलाकर जो बैटिंग औसत है वो बेहतरीन है, और ये आपको ओपनिंग ही बैटिंग करवाएंगे। डोमेस्टिक एक्सपीरियंस बहुत कम है इनके पास, ग्रैंड लिस्ट के टीम्स में रखना होगा तो आप वहाँ पर कैप्टन जरूर से यूज़ करना, और आप इस मौलिक से इन्वेस्टर हो सिर्फ एज अ प्लेयर ही इनको चाहो तो टीम्स में रख सकते हो। बाकी धर्मवीर सिंह सैंग कुछ खास स्टार्ट्स मुझे अच्छा मिला नहीं, फिर भी इन्होंने डोमेस्टिक क्लब लेवल में एक मुकाबले खेले 74 रन, टोटल इन्होंने 105 का स्ट्राइक रेट है दोस्तों, सो ये स्ट्राइक रेट है इनका। तो ये जिस तरह से एक मुकाबले डोमेस्टिक के अंदर अच्छे बैटिंग करके आ रहे, आप चाहो तो लंबा या फिर आप इन दोनों में से किसी एक बैटिंग ऑप्शन के साथ ओपनिंग ट्राई कर सकते हो। बाकी कुशल सिंह एज अ लेफ्ट हैंडर बैट्समैन प्लस आपको विकेट कीपिंग से भी ये पॉइंट्स करके देंगे। लिस्टे के 2022 मुकाबले 7 मैचों में 154 रन 30 का औसत है, डोमेस्टिक T20 7 मुकाबले 147 रन 30 का औसत, बैटिंग से बहुत अच्छे फॉर्म में रहे वो, चाहे लिस्टे हो या फिर T20s हो। फिलहाल ये अभी हमारे टीम के मेन बैटिंग है, तो एज अ प्लेयर इनको पिक करके ही जाएंगे। मोहित जैन ये राइट हैंडर बैट्समैन, लिस्टे के 2022 के अंदर खेले गए 3 मुकाबले में 4 विकेट इनको मिले थे, ये इनका ODI मैच था दोस्तों, जो ये ऑलरेडी कह सकते हम लिस्टे मतलब ऑलरेडी हुआ। बाकी यहाँ पर जो तनवीर उलक नजर आएंगे ये लेफ्ट मीडियम बॉलिंग कर रहे, लिस्टे के इन्होंने 16 मुकाबले जहाँ पे 85 रन 14 का एवरेज 24 विकेट थे, एज अ बॉलिंग सेफ है इनका भी। और इनके अलावा जो यहाँ पर डोमेस्टिक T20s के अंदर भी 26 मैचों में 32 विकेट है, तो ऑलमोस्ट ये आपको टीम के मेन बॉलिंग दिखेंगे जिसमें थोड़ी बहुत बैटिंग भी करके दे रहे, तो तनवीर को भी अपने टीम्स में ज़रूर से रखेंगे। इनके अलावा रंजीत का स्टार्ट मिला नहीं, शर्मा भी नहीं मिले, मिलते हैं तो टेलीग्राम पर अपडेट्स में दूंगा आपको, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो लोग भी नहीं जुड़े हैं तो फिर जल्दी से जुड़ जाओ। इनके अलावा जो यहाँ पर मीट नजर आएंगे ये विकेट कीपिंग कराते हैं, 2019 से ही T20 इंटरनेशनल फॉर्म है इनके पास, जहाँ पे 25 मुकाबले 511 24 के एवरेज है, फिर भी थोड़ी सी बैटिंग ऑर्डर नीचे। अगर आप इस टीम में फर्स्टिंग में टीम इनकी बैटिंग कराएंगे तो फिर एज अ प्लेयर इनको पिक करके जाएंगे। इनके अलावा काकॉर्डियो का मुझे स्टार्ट्स मिला नहीं, अब इनका भी फॉर्म देखो जैसे मिलता है इन फॉर्म टेलीग्राम पे करेंगे। और यहाँ पर जो चेहर है ऑलमोस्ट ये भी टीम के कैप्टनसी करे, पर इनका स्टार्ट्स हम नहीं निकाल पाए। इनके अलावा जो चौहान है इन्होंने भी लिस्टे के 7 मुकाबले में 128 रन, तो ये बैटिंग ऑर्डर ऑलमोस्ट बहुत नीचे है इनका। बाकी इनकी बेंच में से जो भी प्लेयर खेलेंगे सारे के सारे अपडेट्स इन्फॉर्मेशन भी आपको टेलीग्राम्स पे देंगे, टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। टेलीग्राम से हमारे जो लोग भी नहीं जुड़े शायद आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम से हमारे जरूर से जुड़ जाना। अभी चलते हैं अपनी फैंटेसी टीम्स की बात करते हैं। अब गाइस देखोगे तो मैंने ऑलरेडी ये काफ़ी रिसर्च बेसिस पे टीम सेट करके रखा, आप टीम प्रीव्यूज में आपको दिखा रहा हूँ। दीपक चार इस मैच में खेलते हो दिख सकते हैं आपको, तो ये इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर है तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस इस मैच में इनका रह सकता है। फिलहाल देखो कैप्टन को लिए अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप लोमरो के साथ जाओ, ऑलमोस्ट ये सेफ ऑप्शन से, रीज़न ये कि बॉलिंग बैटिंग कराकर देंगे। इनके अलावा दीपक चौर हमारे लिए वाइस कप्तान रह सकते हैं, थोड़ी सी एक्सपीरियंस ठीक ठाक है तो आपको विकेट्स निकाल कर अच्छे खासे दे सकते हो। सेम टीम के साथ इन्वेस्टमेंट है, बॉलिंग फ्रेंडलिटी हमारी टीम से, अगर आपको चेंजेस करना हो तो चेंजेस करना, पर मेरे फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो लोग भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना। बाकी ये जो आपको लास्ट वाले ऑप्शन दिखेंगे ना बॉलिंग से जो नीचे से है, चौधरी या मनदीप है, शायद ये वीडियो में ना दिखें तो इस वजह से आप सिलेक्ट कर लेना। चौधरी है और यहाँ पर प्रदीप है, मोहित प्रदीप, ये ध्यान रखना दोस्तों।